नमस्कार दोस्तों, यदि ऑडिटर के साथ डिस्प्यूट हो जाता है और उसकी वजह से आईटीआर को फाइल करने में डिले होता है, क्या इस डिले को एक्सेप्ट किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा? आंसर है यस। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है फ्रेंड्स, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। एसएससी कंपनी के द्वारा ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं की गई, क्योंकि इस केस में ऑडिटर और एसएससी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस केस में एसएससी का कहना था कि ऑडिटर ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को टाइमली कंप्लीट नहीं किया है और उसके लिए प्रॉपर रीज़न भी नहीं दिए थे, और एसएससी एक अल्टरनेट ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था जब तक कि वो पिछले ऑडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी ना ले लें। इस केस में उसने बहुत सी रिपीटेड रिक्वेस्ट की, लेकिन पुराने ऑडिटर ने बहुत देर बाद एनओसी इशू किया, जिसके बाद के उसने नए ऑडिटर से टैक्स ऑडिट करवाया और इस प्रोसेस में उसे 37 डेज का डिले हो गया इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में। इस केस में एसएससी के द्वारा कॉन्डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट लगाई गई सीबीडीटी के पास कि उसकी डिले को कंडोन किया जाए, लेकिन इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया सीबीडीटी के द्वारा, जिसके बाद के टैक्स पेयर ने हाई कोर्ट में अपील फाइल की। इस केस में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस केस में जो डिले हुई है उसके ऊपर एसएससी का कोई कंट्रोल नहीं था। इस केस में एसएससी ने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन कर दिया है कि डिले क्यों हुई है, इसलिए सीबीडीटी को डिले को कंडोन करना चाहिए, और जो इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइल की गई है एसएससी के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यह डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है एसएससी और टैक्स ऑडिटर के बीच में और नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है और उसकी वजह से डिले होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस डिले को नहीं मानता है, तो उस केस में आप इस प्रकार की जजमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।